जी हम बात करेंगे अपने सीनियर तजाकार मलिक हारिस से, वो फैसलाबाद में हमें बताएंगे जो ईद का क्या यहाँ पर तैयारी चल रही है। जी हारिस, क्या कहना आपके इस बार? ये हमारी पंद्रह सौ से सोलह अप्रैल यहाँ क्या के 1500 से 16 अप्रैल अपने माँ बाप के साथ आए हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं ईद को। कैसा फील कर रहे हैं आप इस ईद को? मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ 1500 से 16 अप्रैल 1600 अप्रैल आए हुए हैं जी। इनका कहना है 1400 से 1500 अप्रैल इस पार्क में एंजॉय करने के लिए अपनी फैमिली के साथ तशरीफ लाए हुए हैं। और क्या कहना है के खिलाड़ी? ये देखें, ये काफी गमगीन लग रहे हैं, हम इनका इंटरव्यू लेते हैं। ये फेस्ट इंडीज के ये हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हु आर यू शेन सिमाडोर? क्या रहे थे सिंध वगैरह आउट? इसके आप ट्रांसलेट करेंगे, ये क्या कह रहे हैं? जी मेरा कहना ये है कि मैं ना, क्या आपको उर्दू भी आती है? आदरी ट्रांसलेट, ये तुम्हारी ट्रांसलेट करेगा। व्हाट यू टेल यू आर एंजॉय आवर एवरीबॉडी यू नो यहाँ पे सभी तरफ। और मुझे उर्दू भी आती है, मैं पहले पाकिस्तान में रहता था। और कितने साल आप पाकिस्तान में रहे? मैं पाकिस्तान। और क्या कहेंगे आप इस ईद के हवाले से मरे नाज़रीन को? पाकिस्तानी और और क्या कहेंगे आप इस अपने नाजरीन को, कैसे अपडेट करेंगे आप इस? मेरी तमाम मुसलमान भाइयों से गुजारिश है कि जितना भी हो सके ना फंड मुझे दे, मैं ईमानदारी के साथ वहाँ पहुँचा दूंगा। ये ना आप फंड इकट्ठा करें और भाग जाए अपने मुल्क? नहीं, मैं मुल्क छोड़ के तो यहाँ आया हूँ। अच्छा, आप अपना मुल्क छोड़ के इधर मदद करने के लिए आए हैं? मैं 5 लाख रुपया लेकर आया हूँ। और 5 लाख का क्या किया आपने? मैंने 3 लाख खर्च किया।